नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्यप्रदेश के लिहाज से इन दिनों जो सबसे बड़ी खबर है वो है कोरोना का बढ़ता ग्राफ। संकल्प अभियान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा 2 मिनट के लिए। इसमें लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कोरोना गाइडलाइंस के पालन का, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और नई बात बताई है। उन्होंने कहा है कि अब कोरोना से लड़ने के लिए जागरूकता और जन जागरूकता की बेहद ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए अकेले सरकार के ही प्रयास काफी नहीं है, उन्हें खुद भी प्रयास करने होंगे। और इसीलिए अब तय किया गया है कि जितने मंत्री हैं, सांसद हैं या फिर विधायक हैं मध्य प्रदेश में, वो सोशल मीडिया में एक कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन का नाम होगा मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। इसमें नेताओं को इसी टैगलाइन के साथ, जनप्रतिनिधियों को इसी टैगलाइन के साथ चेहरे पे मास्क पहन के अपनी सेल्फी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि वो भी मास्क पहनने के लिए जागरूक हों। क्या कुछ कहा इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सबसे पहले वो सुनिए। मध्य प्रदेश भर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से, जिनमें हमारे सांसदगण, विधायकगण, उनके साथ समाज सेवी सब जुटेंगे, वर्चुअली हम लोग बात करेंगे कोरोना को नियंत्रित करने के लिए। सबके सहयोग की आवश्यकता है। मिलके पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है और कोरोना को नियंत्रित किया। अब फिर चूंकि वो बढ़ा है, इसलिए फिर से संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, धर्मगुरुओं को जोड़ना आवश्यक है। इसलिए आज हम कोरोना को कंट्रोल करने पे व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। कल हमारा अभियान 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। 2 मिनट खड़े रह के मास्क पहनने का संकल्प लेना है। कुल मिला के जन जागरण है कि कोरोना से लड़ना है, तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे। और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कल 11 बजे मास्क लगाने के संकल्प के बाद दुकानदार भाई और बहन अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएं, ताकि ग्राहक अगर आएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएं। ये अभियान भी चलेगा। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, इस अभियान में भाग लें, हम जगेंगे तो कोरोना भगेगा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया भोपाल और इंदौर में, और उसके बाद 3 शहरों में, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में, संडे लॉकडाउन भी रखा गया। आगामी आदेश तक हर रविवार को यह लॉकडाउन लगेगा, टोटल लॉकडाउन। लेकिन इसके बावजूद कोरोना का ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है, सरकार को अब ये लग रहा है कि लोगों को जागरूक करने से ही, खासतौर से मास्क पहनने के लिए, ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है कोरोना की रोकथाम के लिए। और इसीलिए तमाम अभियानों और लॉकडाउन के बीच अब लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस नए अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें नेताओं को सेल्फी मास्क के साथ खिंचवानी होगी और सोशल मीडिया, जो आजकल अपनी मजबूत पहुंच के चलते हर घर में, हर लोगों तक लोकप्रिय है, उनके बीच में जाकर के मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, ताकि कोरोना से सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति लड़े।